Hello everyone, welcome to our YouTube channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. So starting with this कि हम लोग start करते हैं आज का physics का lecture जो कि class 12. तो इसलिए आज हम लोग का जो 20 lecture है class physics का, तो इसलिए अभी इससे पहले मैंने 19 classes ले ली हैं. आप please जिसको नहीं go through हुआ है please जाके उसको go through कर लो, जिससे कि आपको वो सारी चीजें भी पता चल जाए. आज का जो class 20 है that is हम लोग आज अमीटर के बारे में पढ़ेंगे, वोल्टमीटर के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीमीटर के बारे में पढ़ेंगे, चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के क्या क्या इलेक्ट्रॉन साइंस होते हैं वो सब पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम लोग. अमीटर, अमीटर क्या होता है? अमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द करेंट. अमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि यूज़ करता है क्या, करंट को मेजर करने के लिए. अगर पूछा जाए आपसे करंट किससे में मेजर किया जाता है, तो दैट इज़ एन अमीटर. इट रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर इज़ स्मॉल एंड इट इज़ यूज इन सीरीज विद सर्किट. जो सर्किट होता है उसमें सीरीज में होता है, ओके. और ये यूज़ कैसे किया जाता है, इसमें जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, ऐसे नहीं बोलना कि सर्किट में अमीटर में सीरीज होता है, तो नहीं. रेजिस्टेंस जो होता है अमीटर का वो क्या होता है, सीरीज में होता है. और जो अमीटर होता है वो किस लिए यूज होता है, दैट इज यूज फॉर द मेजरिंग करंट, ओके. नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दैट इज वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर क्या होता है, दैट वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस. वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है बिटवीन टू पॉइंट्स. कोई दो पॉइंट है, मान लो ये और ये कोई दो पॉइंट्स है, इनको मेजर करने के लिए वो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग यूज करते हैं, ओके. एक पॉइंट से सर्टेन दूसरे पॉइंट तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा उनके बीच में. तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर इज हाई. एक रेजिस्टेंस अगर वोल्ट मीटर की बोले तो वो हाई होता है. एंड इट इज यूज टू पैरेलल विद द रेजिस्टेंस वायर, और रेजिस्टेंस वायर के वो पैरेलल होता है. नेक्स्ट आते हैं हम लोग मल्टीमीटर के बारे में. तो मल्टीमीटर जो होता है, मल्टीमीटर को हम लोग मल्टी टेस्टर भी बोलते हैं और उसको वॉर्म भी बोलते हैं. वी ओ एम वॉर्म बोलते हैं. मैंने लिखा हुआ है वॉर्म क्या होता है. वॉर्म इज वी इज डिनोटेड एज वोल्ट, ओ इज डिनोटेड एज ओम एंड एम इज डिनोटेड एज मल्टीमीटर, ओके. क्लियर हो गया, सॉरी मिलीमीटर. तो मल्टीमीटर क्या होता है, मल्टी टेस्टर होता है, वोम होता है, दैट इज वोल्ट ओम एंड मिलीमीटर. नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे फर्दर क्लास के लिए. तो दैट इज इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर द वोल्टेज. ये मल्टीमीटर जो होता है दैट इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर द वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट. ये वोल्टेज को भी मेजर करने के लिए यूज होता है, रेजिस्टेंस को भी मेजर करने के लिए यूज होता है, इलेक्ट्रिक करंट को भी मेजर करने के लिए यूज होता है, दैट इज वोल्ट मीटर. तो अमीटर किस लिए यूज होता है, करंट को मेजर करने के लिए. वोल्ट मीटर जो यूज होता है दैट इज फॉर पोटेंशियल डिफरेंसेस. एंड मल्टीमीटर जो होता है दैट इज यूज फॉर वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट. आई थिंक क्लियर हो गया होगा. अब स्टार्ट करते हैं चार्ज के बारे में. तो चार्जेस क्या होते हैं, चार्ज क्या होता है. चार्ज तीन तरह के होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. आई थिंक ये आपने क्लास 6 से ही पढ़ा होगा. जिसने नहीं पढ़ा या जिसको याद नहीं है तो प्लीज नोट डाउन कर लो. इलेक्ट्रॉन जो होता है दैट इज निगेटिव चार्ज. उसकी जो आपकी पावर होती है दैट उसकी वैल्यू -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होती है. और इसे हम 9.1 × 10⁻³⁻³ केजी भी लिखते हैं, इन केजी की अगर बात करें तो. प्रोटॉन जो होता है दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज, 1.6 × 10⁻¹⁹ सेम है, बस इसमें माइनस है इसमें प्लस है. और से ये देखिए, ये 9.1 × 10⁻³⁹ है, ये 1.6726 × 10⁻²⁷ केजी है. तो इसको ये याद करना जरूरी है. अगर आपको पूरा नहीं याद हो रहा तो एटलीस्ट 6-7 तक भी याद कर लोगे तो सही है. मैंने पूरा डेसिमल प्लेस दिया है जो होता है. न्यूट्रॉन जो होता है उसमें कोई भी चार्जेस नहीं होता है, ना ही प्लस होता है ना ही निगेटिव होता है, कुछ नहीं होता है. इसकी वैल्यू जो होती है दैट इज 1.6749 × 10⁻²⁷ दैट इज इन केजी. और अगर एएमयू की बात करें तो दैट इज इक्वल्स टू 1 AMU. क्लियर, आई थिंक चार्जेस क्लियर हो गया होगा. इसको नोट डाउन कर लो, इसकी कन्फ्यूजन बहुत रहती है. फिर बाद में फिर आप यही कहोगे कि एक कन्फ्यूजन की वजह से मेरा पूरा क्वेश्चन गलत हो गया. उसके बाद आते हैं इफ पॉजिटिव चार्ज फ्लोस. अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज. अगर पॉजिटिव चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो करंट का डायरेक्शन है वो सेम है फ्लो ऑफ चार्ज के. क्लियर, इसको लिख लो, इसको लिख लो. मैं अभी तक मना करती आती हूँ कि नहीं लिखो, वो समझ लो, बट इसको लिख लो, दैट इज इंपॉर्टेंट. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो करंट का और फ्लो ऑफ चार्ज का सेम डायरेक्शन होता है. इफ अगर निगेटिव है, निगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अपोजिट होगा, सेम एंड अपोजिट. ठीक है, क्लियर हो गया आई थिंक. हाँ ठीक है. तो फर्दर हमारा जो होता है, इसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है जो प्लस और माइनस का मैंने अभी समझाया आपको.
लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, जो लाइक चार्जेस होता है अगर सेम चार्जेस है, मतलब अगर प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो दोनों लोग रिपेल करेंगे एक दूसरे से, रिपेल मतलब दूर जाएंगे, ये इधर जाएंगे ये इधर जाएंगे, ये इस साइड जाएंगे तो ये साइड जाएंगे, ओके, रिपेल करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। एंड अदर वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, अगर अनलाइक चार्जेस होंगे मतलब डिफरेंट चार्जेस होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर वो प्लस और माइनस होंगे या माइनस और प्लस होंगे, तो दोनों एक दूसरे के पास जाएंगे, दैट कम्स अट्रैक्ट, दे अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं हमारे, दैट इज़ कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आर फ्री, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें फ्री होते हैं टू मूव इनसाइड द मैटर, वो मैटर के अंदर फ्री होते हैं और वो मूव करते हैं इनसाइड अ मैटर, एक कंडक्टर है, जैसे मान लो एक कोई ये एलिमेंट है, ओके ये एक एलिमेंट है, तो इसके अंदर मूव करते हैं वो कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपस में इधर उधर मूव करते हैं, बट ये नहीं कि इसके बाहर आ जाएंगे, ओके तो प्लीज़ ये कॉन्सेप्ट गलत है, इसी के अंदर मूव करते हैं, वो इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, दे हैव द राइट टू फ्लो, ओके। सो कंडक्टर की एग्जाम्पल लिखा, जस्ट लाइक मेटल्स, मेटल्स आपके होते हैं आयरन कॉपर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मेटल्स आयरन एंड कॉपर, ये एग्जाम्पल्स आपके कंडक्टर के। एंड व्हाट इज एन इंसुलेटर, इंसुलेटर्स आर नॉट फ्री टू मूव इनसाइड द मैटर, अब कोई मैटर है उसके अंदर भी ऑब्वियस सी बात है ये होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इनके पास नहीं होता, यू नो दे हैव नो अथॉरिटी टू मूव देयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं, तो इनके पास ये मूव करने के चांसेस भी नहीं होते। इसके एग्जाम्पल है प्लास्टिक और वुड, प्लास्टिक और वुड इज अ गुड एग्जाम्पल फॉर द इंसुलेटर, तो कंडक्टर इंसुलेटर आई थिंक क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर है तो एक बार देख लो और नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैंने एक ही लाइन में उसको उसकी डेफिनेशन लिखी, तो आई थिंक दैट इज नॉट अ बिग इशू। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। सो ये एक सर्किट बनाया हुआ मैंने, ये बैटरी लगाई प्लस एंड माइनस साइन, आपको भी पता होगा करंट फ्लो हो रहा है इसके थ्रू, एंड देन इट्स लार्जेस्ट, सो दैट द एवरेज ऑफ लो पोटेंशियल, एवरेज ऑफ लो पोटेंशियल है, ये माइनस साइन है, दैट एवरेज ऑफ लो पोटेंशियल है, प्लस साइन इज चार्ज फॉर द हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल के लिए प्लस साइन है और नेगेटिव पोटेंशियल किसके लिए है, लो पोटेंशियल के लिए। अब आते हैं T1 और T2, T1 T2 जो है वो मैंने टेम्परेचर लिखा हुआ है, T1 जो है वो बड़ा है अगर T2 से, तो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, T2 भी बड़ा हो सकता है, ऐसा कोई केस नहीं, बट इस केस में T1 जो है वो बड़ा है T2 से, और P1 मतलब प्रेशर, प्रेशर बड़ा है इससे P2 से, P1 इज ग्रेटर देन P2, तो वो प्रेशर डिफरेंस हो गया, तो अगर डिफरेंसेस लिखने होते हैं तो ऐसे ही लिखने होते हैं। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है P=mgh, ये होता है, इसको मैंने ब्रैकेट में इसीलिए ऑलरेडी करके रखा हुआ है, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, क्योंकि फिर ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसी फॉर्मूला से आप न्यूमेरिकल भी करोगे, अगर मैं न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में कराती हूँ या आपको चाहिए कि न्यूमेरिकल कराएं, तो फिर मैं उसमें न्यूमेरिकल भी आपको करा दूंगी, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल इज एन अमाउंट ऑफ वर्क, एक इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल जो होता है ये एक अमाउंट ऑफ वर्क होता है दैट इज नीडेड टू मूव अ यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू द स्पेसिफिक इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराने के लिए विदाउट प्रोसेसिंग एन एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का यूज ना हो के तब मूव करा दे, तो ये आपका क्या होता है, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल। अब यूनिट इसकी लिखी हुई है जूल अपॉन कोलम, और इसे जूल अपॉन कोलम ऐसे भी लिखते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड गिव योर सजेशन इन अ कमेंट बॉक्स, थैंक यू।